नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और इसमें यूक्लिड डिवीज़न से SF निकालेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 135 और 225 दिए हुए हैं, तो इसमें क्या करना है, हमने जो 225 है, जो बड़ी रकम है, उसको हम डिवाइड करते रहेंगे, 135 से भाग करेंगे। तो 135 से भाग करते हैं एक पर, तो यहाँ पे भाग करेंगे तो आया 90। तो आगे क्या करेंगे, इस 90 को, जो ये नंबर है, इससे भाग करेंगे। अगर ये छोटा आ जाता है तो 90 को एक पर भाग करते हैं तो हमारे पास आएगा 45। तो 45 को आगे फिर भाग करेंगे इस नंबर से, तो अब ये दो पर भाग हो जाएगा। जब ये पूरी तरह भाग हो जाएगा तो जिससे हम भाग दे रहे हैं वो हमारा आंसर है। तो इसका मतलब जो HCF है वो 45 आ गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 196 और 38,220, तो इसी तरह से 38,220 को 196 से भाग करते रहेंगे। तो एक पे भाग करते हैं क्योंकि दो पे बड़ा हो जाएगा, तो अब इसको माइनस करते हैं, 6 तो 186। अब क्या होगा, आगे दूसरा नंबर उधर जाएगा, तो अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 1764, 9 पे भाग, 9 पर गुणा करेंगे तो 1764। तो अब इसको माइनस करते हैं तो ये आ गया 980, क्योंकि 0 ऊपर से उतर जाएगा। तो 196 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 आ जाएगा। तो इस तरह क्या होता है, जब ये पूरा किसी नंबर पे भाग हो जाता है तो ये जिससे भाग दे रहे हैं वही हमारा आंसर है। तो HCF कितना आ गया, 196। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन है, वो आप खुद करोगे और मुझे आंसर दे देना। चलो आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भी कोई भी धनात्मक पूर्ण विषम पूर्णांक 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप में होता है, और जहां क्यू कोई पूर्णांक है। पहले समझो, धनात्मक का मतलब हो गया प्लस वाली, और विषम का क्या मतलब है, विषम का मतलब ओड, मतलब 1, 3, 5, 7। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हमारे पास a है, जिसको हम BQ+C के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, a बराबर BQ+C के रूप में, और यहाँ पे भी हमारे पास 6 रहेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जब हम 6 से a को भाग देते हैं तो हमेशा ही जो बाकी जो शेषफल है वो या तो 0 आएगा या 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आ सकता। ठीक है, इनमें से कोई भी आ सकता है, पर अगर जो जो a है, a एक विषम संख्या है, a एक विषम संख्या हो, तो जो शेषफल है या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। तो इस तरह जो संख्याएं होगी वो 6Q+1 और 6Q+3 या 6Q+5 के रूप में होगी, यही हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी किसी पीरियड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है,
दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें हमें क्या करना है, जो 616 और 32 है इसका एचसीएफ ले लेना है, बस एचसीएफ ले लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने सीखा 616 को 32 से भाग करेंगे, तो 32 दुना तो 64 होता है, वो होगा नहीं, एक पे भाग करते हैं। आगे फिर देखते हैं, आगे इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 पे देखते हैं, 256, 9 पे करके देखते हैं, तो ये 288 हो गया, तो 9 पे भाग हो जाएगा। अब इसको देखते हैं बाकी कितना आता है, तो बाकी आ गया इसमें 8। अब आगे क्या करना है, इस 8 को इस नंबर से भाग करेंगे, तो यहाँ पे ये पूरा पूरा भाग हो गया, तो जो जिससे भाग होता है वो हमारा आंसर है। तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 8। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मार्च करने वाले स्तंभों की जो अधिकतम संख्या है वो 8 है। थैंक यू।